जब मैसेज आया था कि हमको और दोनों लड़का लड़के नाम था मैसेज आया था कि हमको आज रात में मार देंगे वो, ठीक है। कौन किया था? सिंगल बॉडी क्यों मिला? कौन किया था? बड़ी खबर इस वक्त सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र स्थित बहेलिया गांव से आ रही है, जहां इंटर के छात्र की हत्या कर शव को कुआं में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। छात्र की पहचान बहेलिया गांव निवासी स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह के 17 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पहले सुबह महिला जब शौच करने गई थी, तभी शव को देखा और उसके परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि युवक की हत्या करने से 3 रोज पहले युवक के दोस्त के मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में युवक की हत्या कर देने की बातें कही गई थी। इसके लिए युवक ने स्थानीय थाना को आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। युवक का गांव के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम से युवक लापता हो गया और बुधवार की अहले सुबह उसका शव गांव की महिला शौच करने के लिए खेत में गई, तो वहीं पास स्थित कुआं में उसके शव को देखा, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। फिर से आपको बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर ये एक्सक्लूसिव खबर बता दें कि हसनपुरा थाना क्षेत्र के बहेलिया गांव में इंटर के छात्र की हत्या कर शव को कुआं में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। युवक बहेलिया गांव निवासी स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह का 17 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार सिंह है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। ग्रामीणों की माने तो प्रेम प्रसंग में ही युवक की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कैसे मालूम चला कि इसमें लाश पड़ी हुई है? सबसे पहले कौन देखा है? औरत गांव की औरत देखी है। खेत करने के लिए लाइट। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राम प्रकाश। किस मामले में घटना घटी है? क्या घटना है ये? अब इसमें तो लड़का लड़की कहती बोलिए। लड़की क्या लड़की? कुछ कंफर्म नहीं है इसमें। घटना जो इनकी मृत्यु हुई है, कुछ कारण हुआ है ना? कुछ कंफर्म नहीं है इसमें। जी बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? राम प्रकाश सिंह। आपके पिता का नाम? रामपति सिंह। और इस लड़का का क्या नाम है? संजीत कुमार सिंह। संजीत कुमार। उसका उम्र कितना होगा? 17 बरस। क्या पढ़ाई भी करता था लड़का ये? इंटर का। था कि हमको और दोनों लड़का लड़के नाम था मैसेज आया था कि हमको आज रात में मार देंगे वो, ठीक है। कौन किया था? सिंगल बॉडी क्यों मिला? कौन किया था मैसेज आपके पास? लड़के के फोन से मैसेज आया था। अच्छा, उसके दोस्त के पास कि हमको और उस लड़की को दोनों को रात को मार देंगे। नहीं तो मैसेज करने वाला कौन था? वो तो पुलिस का काम है। लड़की का लड़का फोन से मैसेज आया था। लड़के के फोन से आया इस लड़का मैसेज किया था? वो तो पुलिस का काम है, वो तो पता करेगी ना। हमको तो मालूम नहीं नंबर से गया है मैसेज। ठीक है, नंबर से नंबर वही था। एक उसका दोस्त गायघाट में, उसी के पास ये मैसेज दिया था। सरफराज नाम का लड़का। 36 घंटे हो गए इनको कॉल ट्रैकर अभी तक नहीं निकला। उनको मालूम भी नहीं है कि वो लड़का कौन है, कहाँ से मैसेज किया, कैसे मैसेज किया। उसके बाद ये बोल रहे हैं ये लड़का लड़की मैटर है, तुम लोग देखो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज लड़के को बॉडी क्यों मिला? अरे तो उनका क्यों नहीं मिला? उनका काम अगर हम लोग करेंगे तो उनको रखा काहे के लिए किया है? किस काम के लिए रखा गया वो लोग को? अच्छा, अभी लड़की कहाँ पे है? लड़की अभी कहाँ है? लड़की अभी गाँव पे अपने घर पे है। हाँ, उसके परिजन।